जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको सौ सौ बार है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आप भी इस तरह का जो बर्थडे स्टेटस वीडियो है वो क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे दोस्तों। एंड यह वीडियो हम काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर को ओपन कर लेना है एंड 9x16 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आकर फोटो डिस्प्ले में फिल रखना है एंड क्रिएट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फर्स्ट में आ जाना है एंड यहाँ पर अपने फोटो को है और यहाँ पर पेन एंड वाले ऑप्शन में जाकर अपने फोटोज़ का स्टार्ट और एंड पोजिशन आप लोगों को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से सभी फ़ोटोज़ का स्टार्ट और एंड पोजिशन ऐड कर देता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने ऐड कर दिया है लगभग सभी फ़ोटोज़ का। इसके बाद दोस्तों, फर्स्ट में आकर आपको यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपको यहाँ पर बुक फॉर्म वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट मिल जाता है दोस्तों। यदि आपके में नहीं है तो आपको स्टोर से इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ अपने काइन मास्टर में। तो ये फटाफट से आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर बैक आकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसमें फिफ्थ नंबर वाला है जो इफेक्ट है उसको ऐड कर देना है सभी में। तो मैं फटाफट से सभी में ऐड कर देता हूँ सभी फ़ोटोज़ में। तो सभी में ऐड हो चुका है लगभग से। तो ठीक है दोस्तों, सभी में ऐड होने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो को सेलेक्ट करके नीचे जाकर जो विग्नेट वाला ऑप्शन मिल जाता है उसको इनेबल करना है। सभी फ़ोटोज़ में ऐड करना है आपको सभी ये विग्नेट वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सभी में ऐड कर देता हूँ फटाफट से। ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो यह ऐड हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आकर दोस्तों आपको यहाँ पर लेयर पर टैप करना है एंड यहाँ पर जो मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और जो यह ब्लैक कलर ले लेना आपको ब्लैक कलर लेके यहाँ पर स्क्रीन स्प्लिट में आपको फुल स्क्रीन कर देना है दोस्तों। ठीक है, फुल स्क्रीन करके आपको यहाँ पर ओपेसिटी में जाकर इसको लगभग 50 से 40 से 50 के बीच में आपको कर देना है। जैसे भी आपको एडजस्ट हो अपने हिसाब से कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे लेयर को एंड तक कर देना है जो ब्लैक वाली इमेज है। तो लेयर को मैं एंड तक कर देता हूँ। एंड तक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आकर यहाँ पर आपको फिर से लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है और आपको यहाँ वाला जो टेम्पलेट है वो ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे आपको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन कर देना है दोस्तों एंड यहाँ नीचे जाकर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर स्क्रीन पर टैप कर देना है। या इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेयर पर टैप करना है एंड फिर से मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाकर आपको अपना एक फ़ोटो ऐड करना है और क्रॉपिंग में जाकर इसको 1:1 रेशियो में क्रॉप कर लेना है सबसे पहले तो आपको। एंड शेप पर टैप करना है आपको और यहाँ पर हर्ट वाला शेप ऐड कर देना है आपको। हर्ट वाला शेप ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसका फीदर थोड़ा बढ़ा देना है एंड इस तरह से 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर देना है और ये जो हर्ट वाला है फर्स्ट वाला हर्ट वाला फ्रेम है उसमें ऐड कर देना है। इसके बाद फिर से लेयर पर टैप करना है एंड मीडिया पर टैप करना है एंड आपको एक और फोटो ऐड करना है। क्रॉपिंग में जाकर जो आपको मास्क को इनेबल करना है और इसे 1:1 रेशियो में काट क्रॉप करना है और मास्क इनेबल करके इसमें भी हर्ट वाला शेप दोस्तों आपको ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐड कर देता हूँ और इसका फेदर आपको 6, 7 या 8 के लगभग आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको क्रॉपिंग करनी दोस्तों। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, फेदर बढ़ा देना है थोड़ा। तो मैं पहले फेदर को बढ़ा देता हूँ एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक आकर इसको 3 डॉट्स पर टैप करके आपको इसको सेंड बैकवर्ड कर देना है इस वाले इमेज को भी। एंड इसके बाद इसका साइज छोटा करके दूसरे वाले फ्रेम है उसमें ऐड कर देना। फ्रेम में ऐड करने के बाद फिर से लेयर पर आपको टैप करके टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर अपना नेम टाइप कर देना है दोस्तों आपको। तो मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ एंड आपको अपना नेम टाइप कर लेना है और यहाँ पर आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर फॉन्ट ऐड कर लेना है अपनी पसंद से। ठीक है दोस्तों, फॉन्ट ऐड करके जो ये नेम है उसको यहाँ पर थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो कॉर्नर है ऊपर की साइड में वहाँ पर आपको इसे रख देना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। एंड टैप यहाँ पर टैप करके आपको यहाँ आपने जो वीडियो बन चुका है उसको गैलरी में सेव कर सकते हैं दोस्तों।